देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव हल्दूचौड़ में संपन्न हुए। चुनाव नतीजे आने के बाद विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करते हुए जुलूस निकाला। हल्दूचौड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में 4 पदों पर चुनाव की मतगणना प्रक्रिया 12 राउंड में संपन्न कराई गई। नतीजे आने के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करते हुए बाजार में जुलूस निकाला। इस चुनाव के बाद व्यापारी काफी प्रसन्न नजर आए। जैसे कि इस बार हम लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गुमटी से लेके मोटा आलू मोदीनगर जहाँ तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन मजबूत संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाइयों से सदस्यता करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आप सभी के व्यापारियों के आप सभी के मीडिया कर्मियों के पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है। और इसमें मतदान हमारा लगभग 80% मतदान हुआ है और एक संगठन मजदूर संगठन का नारा दिया है। कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किए थे, हमने नॉमिनेशन उसमें तो जो नॉमिनेशन आए ना, जैसे अध्यक्ष के पद में नॉमिनेशन नहीं आया दूसरा, तो निर्विरोध हो जाएगा, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ते तो हम और स्वागत करते, हमने इसलिए किया था कि लोग चुनाव में आए, अध्यक्ष पद में भी आते तो उनका भी स्वागत होता, वो भी चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो निर्विरोध बन गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो, तो ओपन चुनाव की प्रक्रिया है, हम ऐसे लगे चुनाव कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव कराने की प्रवृत्ति से एक तो व्यापारियों में आपसी मेल मिलाप होता है, दूसरा एक दूसरे को जानते हैं वो लोग, उसके बाद संगठन में मजबूती भी आती है, एक जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाती है, तो चुन के पदाधिकारी आती है। जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे उनको हम सम्मान देंगे, जगह जगह रखेंगे, कार्यकारिणी में रखेंगे, जिले में मंडल में उनको स्थान देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।